हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए, ये है कुद्दा। कुद्दे का खेत है, तो देखिए कितना बड़ा बड़ा सा हो गया है। देखिए आप, इस तरह का होता है जिस इसने नहीं देखा है। मैंने भी यहीं पे देखा है, मेरे को भी नहीं था पता। जब जब बड़ा होने लगा फिर मेरे को पता लगा कि ये चीज़ ये है। और ये देखिए, यहाँ काट रही हूँ मैं सब्जी। आज है बीन्स और आलू की सब्जी। और ये देखिए, ये काट ली थी मैंने सब्जी। मैंने आलू आपके साथ शेयर नहीं किया, क्या शेयर करने, बट थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है। फ़ोन भी बिजी रहता है, तो जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा शेयर कर क्लिपिंग करती हूँ, तो फिर टाइम ही नहीं लगता है एडिटिंग करने का भी नहीं। तो देखिए आप, आज मैंने सब्जी मिक्स करके ही डाल दी, क्योंकि मैं तो आलू आलू डालती हूँ, क्योंकि आलू आज बीन की फलियाँ मतलब ऊपर थी, उतनी छोटी छोटी नहीं थी, तो साथ साथ में पक जाती हैं। अगर थोड़ी छोटी होंगी मतलब नरम सी होती हैं, तो आलू के साथ जल्दी वो पहले पक जाती है और आलू बाद में, इसलिए आलू पहले डालने पड़ते हैं। ये देखिए, ये आटा लगा दिया था मैंने। फिर खाना पीना खा के इसको कुछ प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए टीचर्स लोगों ने, तो इसने वो बनाया है। और ये देखिए हमारे रूम की हालत आज ना, रूम रूम क्या मतलब, यहाँ पे एक ट्रंक हुआ करती थी बड़ी सी, उसको हमने दूसरे कमरे के लिए निकाला। ये देखिए ये वाली, और वहाँ पे साइड में एक गोदरेज अलमारी थी, उसको हम लाए अपने रूम के लिए। कभी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर ये देखिए, फिर चली गई थी मैं घास को, थोड़ा बहुत रूम की सेटिंग करके थोड़ी बहुत रही थी, और अंशुल लगे हुए थे। अरे ये है, फिर 3-4 बजे का व्यू बहुत ही प्यारा सा, यहीं घर के पास ही। ये देखिए इस तरह का जो मैं ना दिखाती हूँ आपको, पुराना सा घर है हमारे घर के साथ ही। इस तरह का घर था हमारे पहले, और हमने गिरा दिया, ये बड़े भाई का रह गया है। तो ये देखिए, यहाँ काट रही हूँ मैं मीठे करेले की सब्जी, और अंशु लगा रही है झूला। तो आज ना हाथ में काले काले से हो गया एकदम। इसमें यहाँ पे ड्रॉर के अंदर इंक थी, मैंने नहीं देखी, इंक की बोतल थी, और हाथ मेरे बिल्कुल काले काले से हो गए थे, निकल ही नहीं रही थी इंक। साबुन से कितनी बार धोया फिर भी नहीं निकली, और एकदम पक्का रंग लग गया था, वही दिखा रही थी मैं इसको। और ये देखिए, मेरे को तो डर लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, और अंदर लगी मैं तड़का लगाने। वही रहता है, सिंपल सा तरीका है, कुछ खास नहीं, बस मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, और मेरे पास मैं क्या दिखा सकती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा मैंने इसमें मतलब गेहूं का आटा डाल दिया था, ये बेसन का काम करता है। अगर किसी के पास बेसन ना हो तो मैं तो वैसे बेसन भी डालती हूँ, और आटा मेरा यहीं पे रहता है किचन में, बेसन के डब्बा मेरा यहीं नहीं रहता, तो जल्दी जल्दी से मैं आटा ही डाल देती हूँ। आप लोगों से क्या छिपाना और क्या करना है, तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। ये कर दिया था मैंने मिक्स, और अब 10 से 15 मिनट इसको रहने देना है। ये देखिए, मैंने जला दिया आग, और गैस में चढ़ा दिया चावल। फिर गई थी मैं कौशर, और ये देखिए इतनी रात सी हो गई थी कौशर कौशर के जाते जाते। तो आज ना मैंने खाना पहले ही मतलब लगा के रखा था, फिर बस अंशु ने चपाती हम लाई थी 4-5, और यहाँ लग गया हम भुट्टा भूनने। आ जाओ आप लोग भी खा लो, और आज बड़े दिनों के बाद क्या, हमने अभी भुट्टा नहीं खाया, और ये है हमारा आज का मेहमान, पता नहीं कहाँ से आ गया है। 2-3 दिन से बच्चों ने रोटियां दी, तो बस बेचारा यहीं रह गया है। मैं लगी बोलने की इसको अंदर रखना है अंदर, क्योंकि बाहर तो डर रहता है। और ये देखिए, मैं रूम की सेटिंग कर रही हूँ साथ में, तो फिर इसको मैंने अंदर कर दिया, और ये निकला भी नहीं बाहर, ये तो एकदम से चुप से खड़ा हो गया। मैंने दरवाज़ा खुला रखा था पर निकला नहीं। होगा किसी का बेचारा पालतू होगा, तो यहाँ पे बच्चों ने इसको रोटी दे दी, और फिर वहीं का वहीं रह बैठ गया है। देखिए इसकी आंखें कितनी चमक रही हैं। ये लगा हमारा मंदिर छोटा सा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़